So, now there is a need for safety education. What is safety education? One of the primary methods for avoiding unintentional injury is through safety education. Children can begin learning safe behaviors as soon as they understand the meaning of words. The earlier children learn about safety, the more naturally they will develop the attitudes and respect that lead to lifelong patterns of safe behaviors. कि बच्चे जैसे ही चंद अल्फाज बोलना शुरू करते हैं आपने देखा होगा सबसे पहले वो बोलते भी नो ही हैं नहीं ना नो वजह उसकी क्या है कि कुछ, कुछ कुछ ना कुछ अब तक गलत कर रहे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाप से नो ही सुनते हैं तो अब है ये कि जैसा ही वो अल्फ़ाज समझना शुरू करते हैं उनको पता चल सकता है उनको मना किया जा सकता है और वो उनको आहिस्ता आहिस्ता आदत डिवेलप होती ऐसा नहीं होगा कि पहले दिन ही वो सेफ़ uh, बिहेवियर सीख जाएँ लेकिन हमें पता है कि जैसे ही लैंग्वेज को समझना शुरू करते हैं उनको सेफ़ बिहेवियर्स बताए जा सकते हैं जैसे हमने अर्ज़ किया बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे अगर अभी हम आगे फर्दर आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि वो uh, मामूल की कार्रवाइयाँ हैं झूला लेना है या स्लाइड पर जाना है या किसी चीज़ से लटकना है या दौड़ना भागना है ये आम चीज़ें हैं ये आम सरगर्मियाँ हैं बच्चे ये रोज़मर्रा तौर तो पे करते हैं लेकिन इनको कैसे महफूज रखा जा सकता है कैसे हम अन इंटेंशनल इंजरी से बच सकते हैं उसका तरीक़ा यह है कि उनको हल्के फुलके अंदाज में उनकी आसान ज़बान में उनको समझाया जाए कि क्या उनके लिए ठीक है और किस तरह से उनको चोट लग सकती है। समटाइम्स चोट लग भी जाती है तो फिर आप फ़ौर उनको साथ में बताते भी जाते हैं कि आपने ये काम गलत किया था आपने ऊंचा जंप किया था या आपने सामने देखा नहीं या आपने ज़मीन पे नहीं देखा इसलिए आप गिर गए सो आ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेफ्टी एजुकेशन अकर्स थ्रू इंसिडेंटल लर्निंग एक्सपीरियंसिस एंड इमिटेशन ऑफ एडल्ट बिहेवियर एज वी हैव बिफोर दैट दैट स्टूडेंट्स लर्न फ्राम इंसीडेंटल बिहेवियर्स कि जैसे जैसे जो जो हालात पेश आते जाएंगे उसके मुताबिक वो बेहतर चीज़ें सीखते जाएंगे और उनको सही और गलत की पहचान होती जाएगी लेकिन एक बात और ये है कि जो हमारा एडल्ट बिहेवियर है सबसे पहले वो ज़रूरी है एज ए रोल मॉडल टीचर्स हैं इस हैं वालदे हैं उन सब का फ़र्ज बनता है वो ख़ुद सेफ बिहेवियर्स को ऑप्ट करें जैसे आप बिजली की तारों को छू रहे हैं आपने उनके सामने किसी स्विच को छू लिया है और बग़ैर किसी एहतियात के आपने उसको प्लग में लगाने की कोशिश की या बगैर एहतियात के आप चूल्हा जला के आग जला के और आग जलती छोड़ के आप कोई और काम करने जा रहे होंगे ऐसे रोज़मर्रा हम सुनते हैं आ, कुछ ही दिन पहले हमने एक वाक्य सुना कि चूल्हे पे माँ पका रही थी कुछ और बच्चे को उसने साथ खड़ा किया हुआ था कि जी ये कुकिंग का बड़ा शौकीन है तो मैं इसको दिखा रही हूँ कि कुकिंग कैसे होती है एंड द चाइल्ड वॉज़ जस्ट ऑफ थ्री ईयर्स और नतीजा वही हुआ बच्चे का हाथ टच कर गया वो जो बर्तन था और वो गर्म चीज़ उसके ऊपर गिर गई और वो बुरी तरह जल गया तो हम ख़ुद भी एज ए रोल मॉडल पहले सेफ़ बिहेवियर्स को अपनाएँगे और बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या नहीं कर सकते तो ही बच्चे उससे समझेंगे बाकी ये तय है कि आप उनको जैसे जैसे छोटे छोटे उनके एक्टिविटीज होंगी सरगर्मी होंगी हर सरगर्मी करने का बेहतर और महफूज तरीका साथ साथ बताते जाए देन चिल्ड्रन एग्जिबिट सेफ एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस कैन ऑल्सो सर्व एज रोल मॉडल्स फॉर अदर चिल्ड्रेन अब ठीक है हमसे तो बच्चे सीखते ही हैं लेकिन अगर उनके दरमियान में कोई ऐसा बच्चा समझदार हो जो उनकी मदद कर सके मसलन अगर आप किसी एक बच्चे को समझाते और उसको पता चल जाता है कि क्या गलत है और क्या ठीक है तो जब बाकी बच्चे खेल रहे होंगे तो वो उसको बोल के कहेगा भाई आपने भी ये नहीं करना अब होगा ये कि बच्चे बच्चों का बड़ी जल्दी कहना मानते हैं क्योंकि वो उनको अपने बराबर का समझते हैं और आपको पता है थोड़ी सी आ, इमिटेशन की आदत होती है उनको तकलीर की आदत होती है कि एक जो कर रहा है बाकी भी वही कर रहे हैं तो अगर एक बच्चा जो है वो आ, सेफ इकदाम ले रहा होगा या जैसे सीढ़ियों पे हम चढ़ रहे हैं भाग के चढ़ रहे हैं और नीचे वाला बच्चा कहता है भाई आहिस्ता से चढ़े ठीक से चढ़े तो बाकी वो सब आहिस्ता हो जाएंगे अगर कोई दरख्त पे चढ़ रहा है तो बाकी कह रहे हैं भाई आपने बारीक शाख पे नहीं जाना तो वो बाकी वो रुक जाएंगे तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चों की ग्रुपिंग इस तरह से करें कि उनमें कोई ना कोई एक समझदार बच्चा ज़रूर हो जिसको वो इमिटेट कर सकें फिर वालदे या केयर गिवर्स काजा का पास रहना तो ज़रूरी है ही पर उनको साथ साथ बच्चों को एजुकेट करते रहना चाहिए तो ये जो एक इंसेंटिव फ़ौरी तौर पे मिलता है या आप इसको री कह सकते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी अच्छी की तो फ़ौर उसको हमने एक्नॉलेज किया शाबाश दी बच्चे ने कोई सेफ़ बिहेवियर किया तो आपने उसको शाबाश दी है तो वो उसकी री हो जाएगी और अगर हमने उसको कुछ गलत करने पर मना किया है और बताया है कि देखें इससे क्या इसका नतीजा निकल सकता है क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं तो वो उससे रुक भी सकता है तो इस तरह से आस्था आहिस्ता उनकी सरगर्मियों के साथ साथ हमें उनको एजुकेट करना है